Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Adil Sami. In this video, we'll be talking about how you can get Turkish passport in just 3 days. As a CBI guide, as your investment guide, I can tell you 3 days are more than enough for you. मुझसे लोग बार बार पूछते हैं, आप लोग पूछते हैं, पूरी दुनिया से पूछते हैं कि मिस्टर आदिल समी, मैं टर्की आ रहा हूँ या आना चाहता हूँ, कितने दिन के लिए आऊँ? मैं बार बार कहता हूँ कि जी 3 days are more than enough. तो इस वीडियो में we'll be talking about के पहले, दूसरे, तीसरे दिन में what we'll be doing और कैसे 3 दिन आपके लिए enough हो सकते हैं. तो देखिए, we'll start from the day zero जब आप इस्तांबुल लैंड करेंगे. ठीक है, आपको हम एयरपोर्ट से पिक करेंगे और होटल में ड्रॉप कर देंगे. दैट मीन्स हमारा वो दिन ख़त्म हो गया. आप थके हारे आएंगे, रेस्ट करें, ठीक है, और खाना शाना खाएं. डे वन विल स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग 9:30-10. मैं आपके पास, आपके होटल आऊँगा या आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं या एक जगह पर हम मिल सकते हैं नाश्ते के ऊपर. एक दूसरे को जाने समझें, एज अ पेशेंट, एज अ डॉक्टर, एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, एज अ दोस्त, जो भी मामला हो सकते हैं हम उसके ऊपर बैठ के डिस्कस कर सकते हैं. आपके इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, पेरेंट्स आएंगे, आपकी रिटायरमेंट मनी है, आपकी ये एक्स्ट्रा मनी है, आपने सेकंड होम लेना है, टर्किश पासपोर्ट हासिल करना है, रेजिडेंसी हासिल करनी है, मकसद क्या है. तो पहली सुबह में नाश्ते के ऊपर आप और मैं 101 ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रीज़न कि मैं टर्की आ रही हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हो गया. उसके बाद 1-2 घंटे में हम आपके लिए कस्टमाइज प्लान बनाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लान मैं आपको पहले दिन में 2-3 प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा. ठीक है, आफ्टरनून में शुरू करेंगे 12-1 बजे और 4-5-6 बजे तक 2-3 प्रॉपर्टीज आपके हिसाब से हो सकती है. ठीक है, फिर हम कॉफी शॉफी पियेंगे, उस 3-4 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, देन आई विल ड्रॉप यू बैक टू योर होटल. देन day 2 फिर हम सुबह सुबह नाश्ते के ऊपर मिलेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे जी कैसा रहा और आज का हमारा प्लान क्या है. दैट डे अगेन आई विल शो यू 2-3-4 प्रॉपर्टीज. ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले दिन की प्रॉपर्टीज अच्छी लगी, येस नो, जो भी हुआ आपको दूसरे दिन भी प्रॉपर्टीज दिखा दी. ठीक है, और बाय द एंड ऑफ दैट डे वी विल फाइनलाइज कि जी हमने कौन सी प्रॉपर्टी का अगले दिन जाके, दैट मीन्स day 3 पे जाके हमने उसका डाउन पेमेंट के लिए या कोई भी टोकन अमाउंट एक करनी है. ठीक है ना, तो तीसरे दिन में हम मुलाकात करेंगे और पहले तो हम लॉयर के पास बैठेंगे. ठीक है, उसको बताएंगे कि जी ये प्रॉपर्टी मैं लेने जा रहा हूँ, उसके लिए ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए, वो हम लॉयर को पावर ऑफ अटर्नी दे दें. ठीक है ना, फिर जाकर पहले ये बात पे, इट कैन वेरी, हम जाकर जो प्रोजेक्ट हम लेंगे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर हम एक टोकन अमाउंट देंगे. टोकन अमाउंट कैन वेरी, $5,000-$10,000 के इन बिटवीन हो सकता है. ठीक है, एंड मेक श्योर प्लीज टू ब्रिंग दिस मच अमाउंट विद यू. ठीक है, $10,000-$15,000 प्लीज डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग दिस अमाउंट, मतलब ये लेकर आए अपने साथ, क्योंकि ये हमने टोकन अमाउंट देना है, लॉयर को देना है, नोटराइज करना है, ये हमारा खर्चा है इनिशियली. ठीक है ना, उसके बाद हमने ये कर दिया, फिर आप अपना इंजॉय करें, फैमिली के साथ आपने घूमना फिरना है, आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं. फिर मेरा, मेरी टीम का, मेरे लॉयर से काम शुरू हो जाता है. हम आपके लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, हम आपके लिए यहाँ पे आपका टैक्स नंबर, विर्गी नंबर जिसको कहते हैं, वो करवाएंगे, हम आपके लिए बैंक अकाउंट करवाएंगे, क्योंकि आपके अपने बैंक अकाउंट से, अपने मुल्क से यहाँ पे आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी, उसके ऊपर फिर आप और मैं 1-to-1 डिस्कशन करेंगे. ठीक है, फिर उस अकाउंट से आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकाउंट में आपका लॉयर आप अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा, जो हमारा लॉयर यहाँ पर मैनेज कर रहा होगा आपके बिहाफ पर. ठीक है ना, फिर 2-3 महीने डाउन द लाइन हम आपस में कंटिन्यू डिस्कशन रखेंगे और उसके ऊपर फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी आपने कब वापस आना है बायोमेट्रिक्स के लिए. आप बायोमेट्रिक्स के लिए आएंगे, फिर आपका इन्वेस्टर कार्ड इशू होगा और फिर 2-3 महीने बाद आपका पासपोर्ट आ जाएगा. मतलब क्या हुआ, 3 दिनों के अंदर यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू कैन गो बैक विथ पीस, और बाकी हमारी जिम्मेदारी है, हम मैनेज करें. फिर जब आपका पासपोर्ट आ जाएगा आप आएँ, पासपोर्ट कलेक्ट करें और अपनी ज़िंदगी शुरू करें. आई बिलीव, देखें, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेप, ये बहुत बड़ा स्टेप है. और आजकल के दौर में मैं बात करता हूँ, अगर आपने बच्चों को कोई तोहफा देना है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट दे जाए, बिकॉज दैट कैन ओपन ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे रास्ते खोल देता है. अनफॉर्चुनेटली हमारे कमज़ोर पासपोर्ट जो है हमारे होनहार बच्चों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं.
मतलब कि उनका पूरा फ्यूचर जो है स्टेक पे लग जाता है। टेक दिस डिसीजन वाइजली जो भी आप लें। बाकी अपना भरपूर ख्याल रखें। आपको कोई भी क्यूरी है, कंसर्न है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी आदिल समी। आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं आदिल समी ऑफिशियल, क्या ज़िंदगी में मेरी चल रहा है, क्या मामला है। बाकी कोई भी सजेशन है, कोई भी क्यूरी है, यू कैन ऑलवेज राइट अस डाउन। वी आर लाइक ए फैमिली, यू नो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी व्हाट एवर यू फील लाइक आस्किंग मी, यू नो, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। बाकी सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।